हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है द न्यू रूम। आज हम लोग आपको नया मोबाइल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिसका नाम है वीवो T2X 5G। देखिए इसका बॉक्स, देखिए बहुत ही गुड लुकिंग में है। यहाँ पे T2X 5G लिखा हुआ है देखिए, और वीवो का ब्रांडिंग भी किया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग मोबाइल का। देखिए धीरे धीरे खुल रहा है, देखिए खुल चुका है हमारा मोबाइल का बॉक्स। और के अंदर वाली चीज़ों को देखते हैं पहले। ये देखिए ये मैनुअल है मोबाइल का, इसके बारे मोबाइल के बारे आप जो भी जानना चाहते हैं इसके पढ़ के आप द्वारा जान सकते हैं। और ये देखिए कवर है मोबाइल का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है कवर है। और ये हमारा चार्जर है मोबाइल का, जो 18 वाट का चार्जर है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये हमारा केबल है मोबाइल का जो टाइप सी है। देखिए ये भी आप लोगों को खोल के दिखा देते हैं, ये लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसको देखिए बहुत ही खींचने में भी स्ट्रॉन्ग लगता है। और ये पिन है जो सिम निकालने में हेल्प करता है हम लोग को। अब चलिए अब बारी आते हैं हमारे मोबाइल का। देखिए ये हमारा मोबाइल है, चलिए हम लोग इसके पैक को खोलते हैं। देखिए ये हमारा मोबाइल है जो मैरिन ब्लू कलर का है, और इसका बैक कवर है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। देखिए ये मैरिन ब्लू कलर का है। और ये देखिए कैमरा, इसके पहला कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और एडिशनल कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ये साइड में देखिए वॉल्यूम अप और डाउन का है, वॉल्यूम इसे आप बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। ये साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, और ये 6.58 इंच का ये हमारा डिस्प्ले है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये फ्रंट कैमरा है जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे नीचे में देखिए यहाँ पे स्पीकर एक ठो मिला है। ये देखिए खुल चुका है, वीवो 5G लिखा चुका है, और पावर बार है एंड्रॉयड लिखा चुका है। देखिए ये हमारा मोबाइल है जो खुल चुका है। चलिए अब इसके इंटरनल फीचर के बारे अब बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे टच इसका, देखिए बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है टच। यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशमेंट हम लोग को मिल जाता है। अगर मोबाइल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एंड्रॉयड 13 का फ्रंट टच OS मिल जाता है। और यहाँ पर रैम देखिए मिलता है, 4GB रैम है, और एक्सटेंड भी हम लोग 4GB तक कर सकते हैं। फ़ोन का स्टोरेज है वो 128GB है। और इसका प्रोसेसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 है। और यहाँ पे स्टेटस देखें तो सिम कार्ड तो अभी लगा हुआ नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेमिंग फ़ोन भी है, बजट में भी फ़ोन है। और इसका कैमरा का बात करें तो हम लोग कैमरा देखिए यहाँ पे कैमरा में भी बहुत सारे फीचर मिला है। यहाँ पे मोर में देखिए तो टाइम स्लैप मिल जाता है, प्रो मिल जाता है, लाइव फ़ोटो मिल जाता है, पैनो मिल जाता है, और स्लोमो भी मिल जाता है, और डॉक्यूमेंट में भी फ़ोटो आप खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ब्राइटनेस भी करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इस मोबाइल का Full HD है, Full HD+ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए वाईफाई है, ब्लूटूथ है, एयरप्ले मोड है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, और यहाँ पे अल्ट्रा गेमिंग मोड है। यहाँ ये बजट में गेमिंग फ़ोन है। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स भी नए दिए हुए, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, ये सब बहुत सारे हैं। वीडियो चला के दिखाते हैं, इसका फुल एचडी डिस्प्ले है वो सपोर्ट करता है कि नहीं, एक बार चेक करवा दें। यहाँ पे देखते हैं Full HD, वीडियो को मारते हैं सर्च। यहाँ पे देखिए देखिए ये ऐड आ रहा है, इसको पहले रिमूव करते हैं। ओके, हम लोग क्वालिटी चेक आपको करवा देते हैं पहले। देखिए ये सबसे हाई क्वालिटी है इस वीडियो का, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस मोबाइल का डिस्प्ले देखिए वो Full HD है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका वीडियो है, क्वालिटी है वो चल रहा है। देखिए
देख ही सकते हैं और चेक करवाते हैं। इंटरनेट देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में यहाँ पे इसका वीडियो को, ये फुल HD प्लस को सपोर्ट करता है। इसमें आपको बहुत सारी सुविधा भी मिलेगी और गेम के भी सुविधा आपको मिल ही सकती है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग अपकमिंग करेंगे।